हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पैराजंबल को चुटकियों में सॉल्व आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, पैराजंबल एक्सरसाइज जो होती है वो पूरी तरीके से एक लॉजिकल एक्सरसाइज होती है, और उसमें लॉजिक यदि आप अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं तो पैराजंबल को विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी काफ़ी सरल होते हैं, लेकिन कभी कभी काफ़ी टफ आते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में भी आप रीजनिंग को और लॉजिकल अप्रोच को अप्लाई करके पैराजंबल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल सेम रहते हैं। चाहे पैराजंबल कैसा भी हो, चाहे पैराजंबल एसएससी का हो या पैराजंबल बैंकिंग का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल सेम रहते हैं। और इनको आप इफ़ेक्टिव तरीके से यदि अप्लाई करते हैं तो पैराजंबल को विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हैं, और काफ़ी स्कोरिंग ये होता है पैराजंबल। देखिए, इसको मैं आपको करके बताऊँगा, और मैं लॉजिकल रीजनिंग के साथ करके बताऊँगा। ये बैंक पीओ का, ये आरआरबी का पैराजंबल है, आरआरबी में पूछा गया है ये, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी डी और ई, यहाँ तक इसमें पांच सेंटेंस दी हैं। नॉर्मली पांच होते हैं, कभी कभी छः होते हैं, कभी कभी सात भी होते हैं, लेकिन उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लॉजिकली इसको सॉल्व करते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। अब देखिए, पैराजंबल बेसिकली होता क्या है, एक पैराग्राफ होता है जिसके सेंटेंसेस को ऊपर नीचे कर दिया जाता है, उसका सीक्वेंस जो होता है उसको बिगाड़ दिया जाता है, और आपको फिर से उसको डीकोड करके फिर से उसको सीक्वेंस में लाना है। तो कैसे करेंगे पैराजंबल को सॉल्व? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे सेंटेंसेस को निकालना है जो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। फर्स्ट सेंटेंस को फिगर आउट करने के लिए, फर्स्ट सेंटेंस को फाइनल निकालने के लिए ऐसे सेंटेंसेस को निकालना होगा आपको जो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, यानी एक अच्छी टेक्निक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ऐसे ऐसे सभी सेंटेंसेस को जिनमें प्रोनाउन का यूज़ हुआ है उनको हम इलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोनाउन वाले जो सेंटेंसेस हैं वो सबसे पहले नहीं आ सकते, क्योंकि क्योंकि प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, तो पहले नाउन आएगी उसके बाद प्रोनाउन का यूज़ होगा। इसके अलावा कनेक्टिंग वर्ड जो होते हैं, जैसे हाउएवर हुआ या इन स्पाइट ऑफ हुआ, ये शुरुआत में नहीं आ सकते, ये किसी सेंटेंस से कनेक्ट ही होंगे। या जैसे दस हम बोलते हैं THUS, या फाइनली बोलते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस नॉर्मली आखिरी में आते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता उसको हम निकालेंगे, ठीक है, यानी प्रोनाउन वाले जो पार्ट्स हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, देखिए, द पॉलिसी मेकर इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री रिकग्नाइज दिस इम्पोर्टेंस। देखिए, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउन ही होता है, शी होता है, इट होता है, दे होता है, दिस होता है, दिस भी एक प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ठीक है। तो ये वर्ड्स यदि ये कहीं पे आप देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है जिसमें प्रोनाउन दिया गया है ये एक एक्सटेंशन सेंटेंस है, यानी इसका रेफरेंस पहले कहीं पर आया होगा। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं दिस इम्पोर्टेंस, तो कौन सा इम्पोर्टेंस, वो इम्पोर्टेंस की बात इससे पहले वाले सेंटेंस में की गई होगी, यानी ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो ये है दिस, दिस इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब मैं इसको पूरा पढ़ के बताता हूँ, द पॉलिसी मेकर्स इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज मतलब जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। द पॉलिसी मेकर्स इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज रिकग्नाइज दिस इंपॉर्टेंस एंड हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग अ होस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड मेजर्स टू अचीव रूरल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। ग्रामीण विकास जो होता है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव की इसमें बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड है ये पूरा पैरा। अब इसको देखिए, वाइल सम ऑफ दीज कंट्रीज, देखिए इसमें लिखा है दीज कंट्रीज, तो दीज भी एक प्रोनाउन होता है, तो दीज वाला सेंटेंस शुरू में नहीं आ सकता। वाइल सम ऑफ दीज कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज, उसका रेफरेंस इससे पहले आएगा, यानी ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, द सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज आर वाइडनिंग एंड क्रिएटिंग ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ मैनी सच डेवलपिंग कंट्री, मैनी सच डेवलपिंग कंट्री, तो इसमें भी एक वर्ड आया है सच, मतलब जो सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, जो सोशल इकोनॉमिक उनमें जो अंतर है, डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, तो रूरल और अर्बन एरियाज में जो सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं
वो और वाइडनिंग होते जा रहे हैं, और वाइड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गरीबी और बढ़ती जा रही है कुछ एशियन कंट्रीज में। ठीक है, तो सच डेवलपिंग इकोनॉमीज, वो डेवलपिंग इकोनॉमी का रेफरेंस इससे पहले आएगा, तभी तो हम बोलेंगे सच। पहले हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे सच प्रॉब्लम्स आर डेंजरस, सच प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्ट टू सॉल्व, पहले हम उस प्रॉब्लम को बोलेंगे। तो सच वाला सेंटेंस ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब यहां पर देखिए, दीज फैक्टर्स, यहां पर भी फिर से एक प्रोनाउन आ गया, दीज फैक्टर्स। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं, उस इसका रेफरेंस पहले आया होगा, तो ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमने यहां पर चार सेंटेंस निकाल दिए जो फर्स्ट नहीं हो सकते, यानी अल्टीमेटली ये ही सेंटेंस फर्स्ट हो सकता है। तो ये है बेस्ट तरीका किसी भी पैराजंबल को करने का, और ये रियल पैराजंबल मैं आपको करा रहा हूं, ये RRB में पूछा गया है। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं, ऑल दो मिलियन ऑफ रूरल पीपल हैव एस्केप्ड द पॉवर्टी एज ए रिजल्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन मैनी एशियन कंट्रीज, अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ रूरल पीपल कंटिन्यू टू सफर फ्रॉम परसिस्टेंट पॉवर्टी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि रूरल डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज में काफ़ी सारे लोगों की गरीबी जो है वो ख़त्म हुई है, गांव के लोगों की, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी बड़ी जो मेजोरिटी है वो अभी भी गरीब बनी हुई है। अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ रूरल पीपल कंटिन्यू टू सफर फ्रॉम परसिस्टेंट पॉवर्टी, परसिस्टेंट मतलब लगातार चलने वाला कोई भी काम। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स सोच सकते हैं कि ऑल्दो आया है, ऑल्दो एक कनेक्टिंग वर्ड होता है, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। ऑल्दो मिलियंस ऑफ रूरल पीपल हैव एस्केप्ड, हालांकि काफ़ी सारे लोगों की गरीबी दूर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ मतलब बड़ी मेजोरिटी जो है उनकी गरीबी दूर होना अभी भी बाकी है। तो अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है, हालांकि ये ऑल्दो से शुरू हो रहा है। इसके अलावा बाकी के सेंटेंसेस हमने निकाल दिए कि ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो अल्टीमेटली ई सेंटेंस ही इसमें फर्स्ट हो सकता है। अब ई हमने निकाल लिया, फाइनल कर लिया हमने ई के ई सेंटेंस फर्स्ट होगा। अब इसके बाद हम इस सेंटेंस से रेफरेंस लेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि काफी सारे लोगों की गरीबी दूर हुई है रूरल डेवलपमेंट की वजह से। देखिए, ऑल्दो मिलियंस ऑफ रूरल पीपल हैव एस्केप्ड पॉवर्टी, वो गरीबी से बाहर आ गए हैं एज ए रिजल्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट हुआ है, ग्रामीण विकास हुआ है बहुत सारी एशियन कंट्रीज में, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। अ लार्ज मेजोरिटी, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ रूरल पीपल कंटिन्यू टू सफर फ्रॉम परसिस्टेंट पॉवर्टी, लेकिन अभी भी लार्ज मेजोरिटी, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अभी भी गरीबी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब इसमें देखिए, मैंने अभी आपको एक फैक्ट बताया था कि पहले नाउन आएगा, उसके बाद उसको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आएगा, पहले फुल फॉर्म आएगी फिर उसको रिप्लेस करने के लिए शॉर्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने, यहाँ पर यदि ई में आप देखें तो एक इसमें कीवर्ड और है, एक तो कीवर्ड ये है कि ये कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, और एक देखिए यहाँ पर एशियन कंट्रीज लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है, जो कि एक नाउन है, तो इसका मतलब यही सेंटेंस फर्स्ट होगा क्योंकि नाउन पहले आएगा। अब इस एशियन कंट्री को रिप्लेस करने के लिए दीज कंट्रीज, दोज कंट्रीज, इस तरीके से बोला जाएगा, इस तरीके से इसको रिप्लेस किया जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम एक फैक्ट बता रहे हैं, तो फैक्ट के बाद उस वो जो फैक्ट है उसका रीज़न क्या है, लॉजिक यही कहता है कि उस फैक्ट के बाद हम उसका रीज़न बताएंगे कि इस चीज़ का रीज़न क्या है कि सारे लोगों की गरीबी अभी भी दूर नहीं हुई है और काफ़ी सारी बड़ी मेजोरिटी जो है वो अभी भी पॉवर्टी का सामना कर रही है। तो उसका रीज़न जो दिखाया है, पहले फैक्ट दिया है फिर उसका रीज़न जो दिखाया है, रीज़न दिखाया है यहाँ पर, द सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज आर वाइडनिंग। सोशियो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है, जो अंतर है, जैसे गांव के लोगों में उनके पास जॉब्स नहीं है, उनकी इनकम कम होती है, शहर के लोग अवेयरनेस ज़्यादा होती है, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन लेवल भी हाई रहता है, तो डेफिनेटली सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो है। ठीक है, और ये वाइडनिंग हो रही है, ये बढ़ती जा रही है, एंड क्रिएटिंग ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ मैनी सच डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो इसमें इसमें एक्चुअली सच भी आया है, सच क्या है, इस एशियन कंट्रीज के लिए बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक कीवर्ड सच है और एक कीवर्ड ये है कि फैक्ट का रीज़न हम इसमें बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा,
सी द सोशियो इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज। ठीक है, अब इन यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देखिए, दीज फैक्टर्स अमंग मेनी अदर्स टेंड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए, यहां पर हम देखते हैं ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ मेनी सच डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये इसका रीजन है और यहां पर हमने इसका बताया है सॉल्यूशन। दीज फैक्टर्स अमंग मेनी अदर्स टेंड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यहां पर हमने फैक्ट बताया है, यहां पर हम उस फैक्ट का रीजन बताया है, यहां पर हमने सॉल्यूशन देना उसका शुरू किया है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट होगा तो सोशल इकोनॉमिक जो डिस्पेरिटी है वो कम होगी। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा, इसके अलावा फिर यहां पर दीज फैक्टर्स भी लिखा है। फैक्टर्स कौन से हैं, ये यहां पर जो बात की है, तो यहां पर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, दीज फैक्टर्स अमंग मेनी अदर्स टेंड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब इसके आगे वाला जो सेंटेंस वो ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें रूरल डेवलपमेंट की बात की गई होगी, क्योंकि एक उससे एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने चूंकि रूरल डेवलपमेंट की बात की है तो आगे वाले सेंटेंस में भी रूरल डेवलपमेंट ही होगा। दीज फैक्टर्स अमंग मैनी अदर्स टेंड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए, यहां पर देखिए, इसमें ए में द पॉलिसी मेकर इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज रिकग्नाइज दिस इंपॉर्टेंस। देखिए, यहां पर यदि आप देखें ध्यान से, यहां पर भी देखिए कॉमन रेफरेंस पॉइंट जो मैंने बताया है कि मैंडेटरी पेयर जो बनते हैं वो कॉमन रेफरेंस पॉइंट के बेस पर भी बनते हैं। जैसे इसमें रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसमें हमने इम्पोर्टेंस की बात की है, इम्पोर्टेंस एक कीवर्ड है, और इसी इम्पोर्टेंस को यहां पर बोला गया है दिस इम्पोर्टेंस। यानी इसके बाद आ जाएगा ए, और ए के बाद तो फिर कोई सेंटेंस बचेगा नहीं, तो फिर आ जाएगा बी। यहां पर आ जाएगा ए और यहां पर आ जाएगा बी, तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो ये बनेगा, ई सी डी ए बी। देखने में पहला जंबल आपको कभी कभी काफी लंबा, काफी टफ लग सकता है, लेकिन लॉजिकल अप्रोच आपको अपनानी है। लॉजिकल अप्रोच अपना के आप इस तरह के सेंटेंसेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, और यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में जरूर आप बताना। तो यहां पर देखिए, अब इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं इस समय, ये अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा, डी होगा थर्ड सेंटेंस। तो डी किस में दिया है, डी दिया है फोर्थ में, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। लास्ट सेंटेंस क्या है, लास्ट सेंटेंस है आपका बी, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। सेकंड का आंसर हो जाएगा सेकंड। फोर्थ सेंटेंस कौन सा है, फोर्थ है आपका ए, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड सेंटेंस कौन सा है, सेकंड है सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है, और यदि आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम में, इंश्योरेंस एग्जाम में, नाबार्ड के एग्जाम में, आरबीआई के एग्जाम में श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इंग्लिश सेक्शन में हाई स्कोर आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे ई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव में GDPI का पूरा इंग्लिश सेक्शन कवर किया जाता है। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और यहाँ पर मेरे नंबर्स दिए गए हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है तो इन नंबर्स पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, और डायरेक्टली साइट पर जाकर भी हमारे इन ई कोर्सेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन, आप डिटेल में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, और कोई भी फीडबैक हो आपका तो, और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस, क्योंकि मैं टॉप क्लास कंटेंट बैंकिंग और SSC एग्ज़ाम के लिए अपलोड करता हूँ इस पर इंग्लिश सेक्शन का, तो डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी यूज़फुल ये चैनल आपके लिए रहेगा। और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और इस वीडियो क्लास को ज़रूर ज़रूर शेयर करें सोशल मीडिया पर, ताकि काफ़ी लोगों का फ़ायदा इससे हो, और यही इस चैनल का पर्पज़ है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन, बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।